हर साल की तरह इस साल भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उषा माता धाम मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरु के प्रति अपने सम्मान, श्रद्धा और भाव प्रकट करते हुए नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर अपने पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। इस दौरान कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस की पालना भी की गई। इस अवसर पर मंदिर के सेवादार ऋतु शर्मा और राम जी ने आए हुए गुरु भक्तों को सम्मानित किया और सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हर साल की तरह जो मोहल्ला गोविंदगढ़ श्री माँ 108 उषा माता जी आगरेवाला का गुरपूजा मनाया जा रहा है, सब संगतों नूं बहुत बहुत वधाइयां, अभिनंदन जी आया, वेलकम। पर कोविड नूं ध्यान च रखदियां होइयां हदायतां दित्तियां गईयां हैं कि बाहर तो ही दर्शन किए जाते हैं, बाहर ही लंगर का प्रबंध ते बड़े सहज तरीके नाल राम जी मंदिर का प्रबंध कर रहे हैं। जी आया नू सब नू गुरु महाराज जी कृपा कर सब ते खुशियां वरताउण, अपने चरणों जो जो भयानक बीमारी चल रही है कोविड की उसनू शांति देन, सहमत करन, सब कृपा करन। जय माँ उषा धाम मोहल्ला गोविंदगढ़ में राम जी और ऋतु जी जो हैं यहाँ इनके ये परम सेवक हैं और इनकी जो हैं अध्यक्षता में जो हैं यहाँ पर सभी भक्तजन जो हैं दूर दूर से आकर जो हैं दर्शन करते हैं और गुरु जी को जो हैं गुरु विष्णु मानते हैं, गुरु को ब्रह्मा मानते हैं और विष्णु शंकर भगवान तीनों देवताओं जो हैं इन गुरु में जो हैं वास करते हैं। आज के दिन 24 तारीख महारानी की गुरु पूजा, जो विष्णु भगवान सबसे सर्वोपरि हैं और गुरु महाराज हमारे आगरे वाले माई जी और सब शहरवासियों का अभिनंदन करते हुए
आज गुरु पूजा के उपलक्ष्य में जलंधर धाम जो मोहल्ला गोविंदगढ़ में है स्टेशन के पास, वहाँ बड़ी धूमधाम से श्रद्धापूर्वक गुरु पूजा मनाई जा रही है। ये आगरे वाली माँ का दरबार और उनका भव्य श्रृंगार जो आज के दिन माँ के दर्शन करता है, गुरु के चरणों में अपना मस्तक टेकता है, वो गुरु की शरण में जाते हैं। इसलिए सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने अपने गुरु महाराज का आशीष प्राप्त करें और महाराज जी के हमेशा ही चरणों में वास की अपनी भावना लेकर महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आज का दिन सबके लिए शुभ हो, सबको शुभ आशीष और सब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सब सारी संगत को जय माँ, जय माँ, जय माँ।